नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमको रश्मि लेके जा रही है एक नई रास्ता से, यहाँ से दलवाड़ा के लिए शॉर्टकट है ऐसा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि आज जो है सोमवार है, तो आज दलवाड़ा की मार्केट है। साथ में वो चला है सावन, चल रहा है गुजरात का भी सावन शुरू जो है हो चुका है, तो गुजरात का भी सावन चल रहा है और हम लोगों का भी सावन चल रहा है। तो मतलब वहाँ पर भीड़ वगैरह मंदिर में तो होती ही है, तो चलो चलते हैं और बने रहिएगा आज की इस वीडियो में। वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। मार्केट वगैरह भी दिखाएंगे कि कैसा क्या मार्केट का माहौल है, जो कुछ होगा इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। चलते चलते भी रूम से 200 मीटर दूर आ चुके हैं। और कितनी दूर है यहाँ से? अभी बहुत दूर है। अरे चलो, आज हम दूसरे नए रास्ते से आए हुए हैं, हमने कहा चलो इधर से चलते हैं, देखते हैं कितनी दूर है। इधर पर भी भाई रहने आने के लिए, देखो देवका बीच की तरफ जो है शांति वाली जगह है, तो इस तरह के बिल्डिंग वगैरह जो रहती हैं जहाँ पे रूम जो है वो मिल जाते हैं। और लोकेशन वगैरह तो आप जो है वीडियो में देख लीजिए किस तरह से लोकेशन है, और इस तरह के जो है यहाँ पे बिल्डिंग जो है शांति वाली जगह पे बनी रहती हैं। अरे भाई काफ़ी आगे आ चुके हैं और माहौल ये देखो, ये कुछ इस तरह का बिल्कुल जो है शांति का माहौल दिख रहा है। और भाई ये देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है माहौल है चारों तरफ का। और नई रास्ता से हम लोग भी आए हुए हैं, तो आप लोगों को भी हमने सोचा चलो दिखाते हुए चलते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। साथ में मार्केट जो है सो मार्केट दिखा देंगे कि किस तरह से जो है मार्केट लगी वगैरह है, तो वो भी आप लोग देख लोगे। इसके जस्ट बगल में यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे जो है वो बीच है, वो अगर आप देख रहे हो ना ऊंचा ऊंचा वो दिख रहा है घर वगैरह, उसके जस्ट पीछे उस तरफ बीच है। तो यही है कि भाई घर का इलाका थोड़ा सुनसान है, अगर आपके पास पाइप वगैरह है तो इधर पर रूम ले लो, काफ़ी बढ़िया। फिलहाल चलते चलते आ चुके हैं करीब 300-400 मीटर आ चुके रूम से, नहीं इतना ज़्यादा थोड़ी ना हुआ है, ऐसे 400 मीटर के आसपास हुए हैं क्योंकि 400 मीटर दूरी होती है। और अभी जस्ट मतलब आधी से ज़्यादा दूरी अभी बाकी रह गया है, करीब 1.25 किलोमीटर होगा रूम से। हाँ इतना पड़ जाता है, पता है वो वाली रास्ता हम लोगों को पता है, हाँ तो इसके लिए मतलब दूर नहीं लगती, ये वाली पता नहीं है तो इसको लगता बहुत दूर है। तो ये भी हो सकता है कि भाई पता ना हो रास्ता, नई रास्ता से जाओ ना पहली बार तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर है। एक बार आए गाड़ी से तो ज़्यादा दूर नहीं लगी, लेकिन ये है कि अभी चल रहे हैं भाई, अभी क्या करें। यहाँ से माहौल देख रहे हो भाई कितना एकदम शांति का माहौल है, और आसपास में जो है नारियल के पेड़ खड़े हुए हैं, और ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल देखने के लिए मिलता है। इधर पे सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी इधर पे भी बिल्डिंगें हैं लोगों के रहने के लिए, लेकिन इधर पे ऐसा है कि रूम जो है जो कंपनी एरिया है जो कि सिल्वर इंडस्ट्रियल एरिया या फिर जो धोरीगढ़िया का जो है इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से ये थोड़ा दूर है, इसलिए जो है रूम वगैरह यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है एक तो माहौल भी आप लोग देख सकते हो एकदम बिल्कुल शांति का माहौल रहता है, बट जो है थोड़ा डिस्टेंस का दिक्कत हो जाता है कि डिस्टेंस यहाँ से दूर रहता है। तो चलो अभी चल रहे हैं आगे, और मौसम वगैरह भी जो है वो गड़बड़ हो रहा है, तो चलते हैं मिलते हैं आपसे आगे। तो फिलहाल भाई यार तो जो है मोटरसाइकिल से चले गए क्योंकि सुमन वगैरह आ गई थी, उनके साथ निकल गया है क्योंकि उसको पैदल नहीं है वो। पैदल चलने में भाई बहुत मक्कारी कर रहा था, अभी गोर में कितना लोग उसको 4-5 बार वहाँ से यहाँ तक जो है 4-5 बार ले चुका हूँ। नहीं पता है, मैं अकेले होती चलता है ये चढ़ा देते हैं कि थक गया बउआ, बस बउआ का तो भाव बढ़ जाते हैं फिर वही बस। यह पहुँच गए हैं, थोड़ी दूर और यहाँ से रह गया है और मोड़ आ गया है, तो चलते हैं और आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। बाकी माहौल वगैरह मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इधर का दिखाता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो जो हेल्पफुल करेगा जो रूम ढूंढते हैं ना उनके लिए भी, कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल एकदम सुकून मिलेगा आपको। और बट जो है थोड़ी दूर है रूम वगैरह, जिन लोगों को दिक्कत रहता है कि रूम वगैरह का दिक्कत है, तो ये एरिया जो है काफ़ी ठीक है, रूम वगैरह इधर पर आसानी से मिल जाते होंगे क्योंकि इधर पर कंपनी वगैरह नहीं है। इधर पे जाओ तो ये देखो बिल्डिंगें और इधर पे बनी हुई हैं जहाँ पे रूम मिल जाएगा, तो यही है कि रूम वगैरह इधर पे आसानी से मिल जाएंगे, टोटल रूम 12। तो इधर पे भी रूम वगैरह जो है दुकान के पीछे बने हुए हैं, तो रूम वगैरह इधर से मिल जाते हैं आसानी से। पीछे रोड छूट गया जिससे अभी हम आए हुए थे, और ये शॉर्टकट जो है इधर से, इधर पर भी बिल्डिंग वगैरह जो है काफ़ी सारी बनी रहती हैं रूम वगैरह के लिए, और ये जो है दलवाड़ा के अंतर्गत आता है, दलवाड़ा में ही जो है अंदर साइड पे ये रूम वगैरह बने रहते हैं। और यहाँ पे भी बिल्डिंग में देखो इस तरफ भी बनी हुई है, इधर पे भी बनी हुई है, तो इधर पे बिल्डिंग वगैरह काफ़ी सारी बनी हुई है, एक आगे भी है उधर पे भी है, मतलब
करीब 7 से 8 भी बिल्डिंग दिख रही है। देखो दो निकल गई, तीसरी चौथी, उसके बाद जो है इधर पे अंदर साइड में भी होगी, पांचवी हो जाएगी, वो छठवीं सातवीं, 7 बिल्डिंग जो है यहाँ पर दिख रही हैं। तो रूम वगैरह तो इधर पे काफ़ी सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और जैसा कि दरवाड़ा में भी रूम वगैरह का है, लेकिन अंदर वगैरह जाना पड़ेगा आपको, अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, इधर पे भी जाके है। ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल है। बाकी चलो आगे चलते हैं, फिलहाल उधर से चलते चलते अभी दलवाड़ा पे पहुंच गए हैं, और दलवाड़ा का जो मंदिर है जिसे बासुकीनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है यहाँ का भी, मतलब एक साल करीब 1.5 साल पहले बनाया था, 1.5 या 2 साल पहले। तो ये है श्री बाबा बासुकीनाथ महादेव मंदिर, इधर पे बस इधर पे आगे चलने पे सामने जो है वो मार्केट लगती है, ये मंदिर है। तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा कमेंट पे। बाकी आगे चलते हैं, मार्केट वगैरह भी चल के आप लोगों को दिखाते हैं। मार्केट के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे तो मॉल वगैरह जो है देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहाँ से देखो भाई, चारों तरफ जो है बिल्डिंग ही बिल्डिंग ही दिख रही होंगी, इधर पे बिल्डिंग, उधर पे बिल्डिंग, उधर पे बिल्डिंग, इधर पे बिल्डिंग। तो जो है यहाँ पर भाई काफ़ी सारे रूम वगैरह अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मिल जाएंगे। जिन लोगों को रूम का दिक्कत होता है तो भाई दलवाड़ा वगैरह में रूम जो है मिल जाते हैं, बाकी भीमपुर में तो बड़ा मुश्किल हो रहता है। लाला बीच जो है वहाँ पे भी रूम ठीक ठाक, मतलब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बट मिल जाएंगे, क्योंकि उधर पे भाई इंडस्ट्रियल एरिया है तो ज़्यादा रूम नहीं मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है बरसात के मौसम में पास में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये अगर आप देखो, ये कुछ इस तरह से चारों तरफ का माहौल है, तो बरसात की वजह से सारी जो है मार्केट लगता है रोड किनारे ही लगा दी गई है यहाँ पर, और इधर पे भी पूरी मार्केट लगी हुई है, और अंदर साइड में तो मार्केट जो है वो लगी ही होगी। चल रहे हैं, और रश्मि तो आज लगता है तगड़ा खर्चा कराने वाली है, क्योंकि अभी जो रक्षाबंधन वगैरह भी आ रहा है। तो भाई अभी इधर पे आ गए हैं और अंदर चल रहे हैं मार्केट की तरफ, यहाँ पे शुरुआत में ही भाई फिश वगैरह लगा रखी है। तो ये है फिश मार्केट, और वो खड़े हैं उधर, वो आर्स वगैरह खड़े हुए हैं उधर पे हैं। आर्स, ओए क्या हुआ, क्या है, चलें। बिल्कुल मार्केट में आ चुके, इंटर हो चुके हैं, और यहाँ से भाई मार्केट शुरू हो गई। तो यहाँ पे से कपड़े वगैरह की जो दुकानें हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, और दमन की सबसे बड़ी मार्केट है भाई, यहाँ पे कपड़े वगैरह सारा कुछ आप लोगों को जो है मिल जाएगा। बाकी बरसात वगैरह जो है वो होती रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा लफड़ा होता रहता है यहाँ पे, कि भाई बरसात की वजह से थोड़ा जो है गीला हो जाता है, क्योंकि इधर पे आधी जगह पे भाई देख रहे हो, इधर का एरिया जो है वो गीला हो गया पूरा। तो दिक्कत यही है कि बरसात वगैरह जो है जब तक नहीं होती है तब तक तो बढ़िया मार्केट यहाँ की रहती है, बाकी बरसात में जो है थोड़ा दिक्कत है। और इधर भी मार्केट लगी हुई है, उसमें वगैरह जो है पीछे रह गई, क्या आ रही होंगी। तब तक मैं आप लोगों को मार्केट फटाफट से घुमा देता हूँ, क्योंकि इधर से फिर कंपनी भी निकलना है मेरे को, शाम का वक्त हो रहा है धीरे धीरे। तो हमने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा जो है दिखा देते हैं, तिरंगा वाली मेरा भारत महान प्रिंटेड टी शर्टें मिल रही हैं, और ये एक रूट है गली। फिलहाल अभी आ चुके हैं सब्जी वाले सेक्शन पे, इधर पे जो है पूरा जो है सब्जी वगैरह सारा कुछ मिलता है, बाहर भी लगाई हुई है दुकानें, इधर पे भी लगी हुई है। और ये कुछ इस तरह से माहौल है मार्केट का, जो कि आप लोग देख ही सकते। जो सब्जी वगैरह लेनी थी सब्जी वगैरह तो ले लिया है, अभी इसके बाद जो है रश्मि गई है कपड़ा वगैरह लेने के लिए कुछ, और देखते हैं किधर पे है, क्योंकि मैं तो सब्जी लेने में व्यस्त हो गए थे, वो अपना जीवन निकल गई थी। चलो चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे मिलती है। मार्केट वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कैसा क्या था, और बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि शाम जो है वो हो रही है। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो शेयर करो, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।